इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पीसी की एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेरीपैट्रिक स्पीसी है पेरीपैट्रिक स्पीसीशन ये बेसिकली एलोपैट्रिक एलोपैट्रिकीसीएशन की तरह ही होती है एलोपैट्रिक स्पीसीशन के अंदर हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन किसी बैरियर की वजह से दो सब पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये जब दोनों पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होती इनका जीन फ्लो रुक जाता है तो अल्टीमेटली ये दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं इसी तरीके से पेरीपैटिक स्पीसी के अंदर भी होता है लेकिन डिफरेंस क्या है इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक छोटी सी पॉपुलेशन सेपरेट हो गई और ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये स्मॉल पॉपुलेशन इस मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हुई और परमानेंट सेपरेट हुई और अल्टीमेटली दोनों जो पॉपुलेशंस हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई यहाँ पे अगर हम देखें तो एलोपैटिक स्पीसीशन के अंदर जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई थी वो दोनों बड़ी पॉपुलेशंस थी यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई है वो स्मॉल पॉपुलेशन है आमतौर पर जो पेरीफ्रल एरिया होता है किसी भी पॉपुलेशन का अगर वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स जो है एक छोटी पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाए और इन में किसी भी किस्म का जो एक्सचेंज है ख़ास तौर तो पर जो जीन फ्लो है वो रुक जाए तो एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों पापुलेशन सेपरेट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगी यानी जो मेन पॉपुलेशन है उसके बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये भी एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अब यहाँ पे जो नई स्पीशीज़ इवॉल्व होती है इसमें जो सेपरेशन हुई उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स हो सकते हैं जो इसको मेन पॉपुलेशन सेपरेट से करते हैं इन बैरियर्स के अंदर रिवर्स हो सकते हैं रिवर की वजह से एक मेन पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो सकती है इसके अलावा ओशन हो सकता है इसके अलावा माउंटेन्स हो सकती हैं या कोई वैली जो कि इन दो पॉपुलेशन को डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड कर सकती है तो यहाँ पर हमने देखा कि एक मेन पॉपुलेशन से एक छोटी पॉपुलेशन सेपरेट हुई और परमानेंट बैरियर के जरिए सेपरेट हुई और फिर एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट रहीं इनमें जीन फ्लो नहीं हुआ क्योंकि स्पीसीएशन के लिए ये ज़रूरी है कि लंबे अरसे तक उनमें जीन फ्लो ना हो क्योंकि जब तक जीन एक्सचेंज होते रहते हैं स्पीसीेशन नहीं होती तो यहाँ पे जब स्मॉल पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाती है और एक लंबे अर्से तक ये मेन पॉपुलेशन से नहीं मिलती इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती इनमें जीन फ्लो नहीं होता तो एक अरसे के बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की बजाय ये एक नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो एलोपैट्रिक स्पीसीशन और पैरिपैटिक स्पीसीशन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर परमानेंट बैरियर आ जाता है लेकिन जो पेरीपैटिक स्पीसी एशियन है इसके अंदर जो सेपरेट होने वाली पॉपुलेशन है वो स्मॉल साइज की होती है और आमतौर पर पेरिफेरल पॉपुलेशन होती है जबकि जो एलोपैटिक स्पीसी है उसके अंदर सेपरेट होने वाली जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होती